अफरा तफरी मची है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। 3 दिन से हम लोग घर घर में परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, हम इसकी वजह से कारोबार पे काफी असर पड़ रहा है। 4 दिन से जल बोर्ड बिल्कुल भी पानी ना दे रहा, ना कोई समाचार दिखा रहा है कि कब पानी आएगा। मस्जिदों में जा जाके पानी भरना पड़ लिया है, वहाँ से उठा के अपनी चौथी मंजिल पे ले आना पड़ रहा है। भाई कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा भाई, आने का नाम ही नहीं है। पानी का परेशान हो गए, 1 हफ्ता हो गया, वहाँ घर में शादी चल रही है, बताओ, बच्ची की शादी है और हम परेशान है। दिल्ली की बाढ़ को बीते 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार यानी 5 दिन तक साफ पानी का एक कतरा भी नहीं पहुंच पाया था। जनता को किए हुए आधुनिकीकरण के सभी वादों पर पिछले हफ्ते हुई बारिश ने पानी फेर दिया। दिल्ली के लगभग 20 इलाकों के लोग 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। इसी के बीच द वायर पहुंचा पुरानी दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में। इस इलाके में विधायक आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल और पार्षद उनके बेटे आले मोहम्मद हैं। पतली पतली गलियों में बसे हजारों घरों में लोग पानी के इंतजाम के लिए भागदौड़ कर रहे थे। इसी भागदौड़ के बीच लोगों ने अपनी परेशानी सुनाई। ये अपना कैमरा जरा ऊपर करके देखिए, ये 4-4, 5-5 मंजिल के यहाँ मकान फ्लैट बने हुए हैं, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से मोटर से पानी चढ़ा जाता है, लेकिन सरकारी पानी यहाँ नहीं आ रहा, तो लोग मजबूर हो गए अपनी बाल्टियों से पानी भरते हुए। इतने परेशान है हम तो, पानी से बहुत ज्यादा परेशान है। देखो ऊपर ले लेके चलने मंजिलों में, सुबह आते हैं काम पे से 4:30 बजे के गए हुए और अब आते पानी में लग जाते हैं। पानी के लिए अब हम मुँह हाथ भी नहीं धो के आए, ऐसे ही आ गए, क्या करें। और फिर 1-8 बाल्टी कहीं से ले लेते हैं, मस्जिद में से या कहीं से 1-8 बाल्टी ले लेते हैं, उसी से चल रहा है। 5 दिन हो गए, 1-2 दिन का होता तो कोई बात नहीं। यहाँ पे चौथी मंजिल के घर है सर, 1 बाल्टी उठाने में सांस पड़ जाता है। आजकल हार्ट पेशेंट है हर आदमी। तो आप अपने घरों पे नल में पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा? ये लगभग 5 दिन होगा। नलों में पानी नहीं, आपको बाल्टी ले लेके जाना पड़ रहा है? वही मस्जिदों में से भरना पड़ रही है, मस्जिदों में बोरिंग वही भी होती है ना, तो मस्जिदों में जा जाके पानी भरना पड़ रहा है, वहाँ से उठा के अपनी चौथी मंजिल पे ले आना पड़ रहा है। इस बार हमने पानी खरीद के बांटा और हमने बिसलेरी वो फिल्टर हुआ पानी खरीद के हमने गली गली मोहल्ले में 500-500 लीटर की टंकियाँ और ठेलों पे लेके पुछाई, हमने सारे ठेलों पे गलियों में अंदर अंदर पुछाई, जहाँ बड़ा टैंकर नहीं जा सकता था वहाँ पर हमने 500-500 लीटर की टंकियाँ पुछाई। दिल्ली में साफ पानी की व्यवस्था के लिए ओखला, वजीराबाद और चंद्रावल में 3 वाटर प्लांट मौजूद है जो बाढ़ के दौरान डूब गए थे, जिसके बाद शहर में अब लगभग 35 MGD पानी की कमी है। वजीराबाद से 33 MGD और ट्यूबवेलों से 32 MGD, ये मौजूदा मांग से काफ़ी कम है, जिसे दिल्ली जल बोर्ड पहले से ही पूरा करने में असमर्थ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड आमतौर पर लगभग 990 MGD पानी का उत्पादन करता है, जबकि अनुमानित मांग लगभग 1380 MGD की है। पानी की दिक्कत तो है, क्योंकि 3 प्लांट बंद हो गए, तो जिसकी वजह से ये है कि जो वैसे जो मेरी जानकारी में है, वाटर प्लांट्स के अंदर जो मीटर सिस्टम मोटर सिस्टम होता है वो फ्लेम प्रूफ मोटर होती है, तो उसके अंदर पानी नहीं जाता है, वो एकदम 100% वाटर प्रूफ होती है। लेकिन उससे जो अटैच इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, जो सर्किट्स हैं, वो सारा जो है ना वो पानी के अंदर डूब गए। देखिए बेसिकली तो इस पे जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि हर साल बाढ़ आ सकती है, उस बाढ़ को मद्देनज़र रखते हुए तो इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। हमारे जो पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगे हुए हैं, बेशक मोटर्स जो हैं फ्लेम प्रूफ लगी हुई है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, सर्किट्स हैं, उनका लेवल राइज करना चाहिए था, जिससे वो डूबने से बचते। मटिया महल इलाके में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद राकेश कुमार ने अपनी ही पार्टी के विधायक को पानी की समस्या पर घेरा और पक्षपात का आरोप लगाया। देखिए बहुत हालात बद से बदतर हैं, बहुत हालात खराब हैं, पानी 4-5 दिन से आया नहीं है और ऐसे हालात कभी हम लोगों ने देखे नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर हुआ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 5 बोरिंग मुश्किल से हुए हैं, 5 बोरिंग भी बड़ी मुश्किल से इन इलाकों में हुए हैं, और उसके बाद जो जाती हो रही है ना, एक तो बोरिंग नहीं है, उसके बाद जो टैंकर आ रहे हैं ना वो भी विधायक जी के कहने से उधर चले जाते हैं, पानी के टैंकर भी नहीं भेजे जा रहे हैं।
नहीं ताजुब हो रहा होगा कि मैं अपनी आपको लगा कि मैं अपनी मैं पार्टी के खिलाफ ये नहीं है मेरी बात, क्योंकि आदमी की नेत जो जो हमारे यहाँ से जीते हुए हैं कैंडिडेट उनकी अपनी सोच है, ये पार्टी ने ये नहीं कहा, पार्टी ने कुछ सामान दिया है तो बराबर लोगों में तस्लीम होना चाहिए, लेकिन वो कुछ मानसिकता ऐसी है कुछ लोगों की कि वो जो भी टैंक, एक तो बोरिंग ही नहीं है, उसके बाद जो भी टैंकर आते हैं वो अपने क्षेत्रों में ले जाते हैं क्योंकि विधायक जी के अपने लोग वहाँ बैठे हैं, जैसे ही टैंकर आता है उधर ले जाते हैं। इनका इनका कहना है ये बोरिंग का यहाँ पे कनेक्शन है लेकिन यहाँ पानी नहीं आता, फिर भी उड़ते पानी भर भर के बाढ़ से लेके आते हैं। ताज़ा हालात ये है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जिन इलाकों में पानी की समस्या होने की चेतावनी मिली थी उनमें से अधिकतर इलाकों में पानी एक घंटे के लिए आ गया था, लेकिन स्थानीय निवासियों ने नल का पानी मैला होने की कंप्लेंट की। जहां एक तरफ भारत चांद पर अपनी दावेदारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी में पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी सरकार अपने सभी नागरिकों को नहीं दे पा रही। दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।